स्वतंत्र भारत की राजनीति में हमारा आज का प्रकरण है अन्य पिछड़ा वर्ग और मंडल आयोग। हम जानते हैं कि संविधान के बनने के बाद जहां संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि समाज के जो पिछड़े जातियों के लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, वहीं समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जो न तो समाज की उच्च श्रेणी में था और ना ही समाज की निम्न श्रेणी में, अर्थात यह एक ऐसा वर्ग था जिसे समाज में ना तो बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था और ना ही निम्न स्तर का स्थान दिया गया था। इनकी स्थिति बीच में थी और कहीं ना कहीं इन्हें भी एक निचला दर्जा दिया जाता था। जब समाज में इस वर्ग की पैरवी करने वाले लोगों का राजनीतिक कद बढ़ा तो उन्होंने इस वर्ग को आरक्षण दिलाने की बात कही, लेकिन संविधान बनने के 25 साल तक इनके ऊपर किसी ने कोई कार्य नहीं किया, अर्थात इन्हें आरक्षण देने की कहीं से भी कोई बात नहीं उठी। आज हम अन्य पिछड़ा वर्ग और मंडल आयोग का अध्ययन करेंगे कि किस तरह वर्ष 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात के लिए मंडल आयोग का गठन किया, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्गों की स्थिति को जानने के लिए मंडल आयोग का गठन किया। अन्य पिछड़ा वर्ग, हम जानते हैं कि समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है और इन्हें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और इन दोनों ही समुदायों से अलग है। ऐसे समुदाय को हम अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। मंडल आयोग, वर्ष 1977 में जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, अर्थात जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसने उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई जा रही थी, उसके लिए 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे हम वीपी मंडल आयोग भी कहते हैं या मंडल आयोग भी कहते हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य था पिछड़े वर्गों की स्थिति को जानना और उसमें सुधार के लिए उपाय सुझाना। इस आयोग को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना और इन वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। आयोग ने इन वर्गों की पहचान और के लिए जो सुझाव दिए और जो सुझाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को प्रस्तुत किए वे इस प्रकार हैं। आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी जो सिफारिशें पेश की उसमें कहा कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है, अर्थात समाज की मुख्य धारा में ये लोग नहीं हैं और आज भी सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में इनका स्तर बहुत ही कम है या इनकी संख्या बहुत कम है। दूसरा, इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में भी संख्या कम है। जब हम सरकारी नौकरियों की बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों में भी ये जातियां संख्या में कम हैं। तीसरा, आयोग ने शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। चौथा, आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए भूमि सुधार का उपाय भी बताया। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसला, जब वर्ष 1978 में मंडल आयोग को गठित किया गया और वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू नहीं किया, अर्थात
इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 10 वर्ष का समय लगा और वर्ष 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के संबंध में थी। जब देश में मंडल आयोग को लागू किया गया तो कई जगहों पर दंगे हुए और आंदोलनों से इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर रोक की बात की गई। देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध हुए। सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई। इस प्रकरण को इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना अति आवश्यक है और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी जो बड़े राजनीतिक दलों थे उन्होंने अपनी सहमति जताई, अर्थात देश का कोई भी राजनीतिक दल इस फेवर में नहीं था कि ओबीसी को आरक्षण ना दिया जाए। सभी चाहते हैं कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसका स्तर ना तो उच्च है और ना ही निम्न है और इनका शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में उतना स्थान नहीं है जितना अन्य वर्गों का है। आज के प्रकरण में हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति को जाना और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने जो मंडल आयोग का गठन किया था उस मंडल आयोग की सिफारिशों को किस तरह से सरकार ने लागू करने में 10 साल का समय लिया और 10 साल के समय के बाद भी जब इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तो देश भर में इसके विरोध में स्वर उठे, लेकिन सरकार ने जब फैसला लिया तो उसके बाद न्यायालय के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि यह फैसला सही है। आज के प्रकरण के अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है? हम जानते हैं कि समाज में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावा एक ऐसा वर्ग भी है जिसका समाज में स्तर निम्न है, अर्थात जिसे समाज नीच मानता है। ऐसे वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध किस वर्ग से है? मंडल आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग से है। तीसरा प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन कब और किस सरकार के द्वारा किया गया? मंडल आयोग का गठन वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। चौथा प्रश्न है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति को जाना और सरकार को यह सिफारिश दी कि सरकार शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दें। पांचवा प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू की गई? मंडल आयोग की सिफारिशें वर्ष 1990 में लागू की गई जब देश में वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। छठा प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के क्या परिणाम देखने को मिले? मंडल आयोग की सिफारिशों को जब लागू किया गया तो देश भर में आरक्षण को लेकर और आरक्षण के विरोध में आंदोलन हुए। जब देश भर में आंदोलन हुए तो इन आंदोलनों ने हिंसक रूप धारण किया और देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। बाद में इसे न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में यह व्याख्या की कि अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण सही है, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सातवां प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों और परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आठवां प्रश्न है, इंदिरा साहनी केस का संबंध किस आयोग की सिफारिशों से संबंधित है? इंदिरा साहनी केस वर्ष 1992 में जब अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था उस केस में न्यायालय में इसे चुनौती देने के लिए इंदिरा साहनी केस आया था।
नवा और अंतिम प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। आज के प्रकरण में हमने अन्य पिछड़ा वर्ग और मंडल आयोग की सिफारिशों का अध्ययन किया। आज के प्रकरण में इतना ही। धन्यवाद।